एजुकेशन पॉलिसीज की भी काफ़ी चर्चा हुई है अभी, हालांकि उसका बिल पास होना बाकी है, सारी चीज़ें अभी पॉलिसीज पे जो है एटलीस्ट सरकार की मंजूरी बन चुकी है। क्या लगता है सर आपको, कितने समय तक इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हम सोसाइटी में देख सकते हैं और कितना लाभदायक ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी साबित होने वाली है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे मैंने काफ़ी वेबिनार अटेंड किए, ओके, मुझे उसके वेबिनार देने का भी मौका मिला, तो मैंने काफ़ी स्टडी किया है। इसके पहले जो हमारी पॉलिसी आई थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, वो 1986 में आई थी। उसके बाद में हमने 96 में कुछ अमेंडमेंट्स किए, ओके, और अब एक्चुअल पॉलिसी हमारी अब आई है। एक फर्क दोनों पॉलिसियों में नजर आता है, अभी तक के जितने भी कमीशन बने एजुकेशन पे, जितनी पॉलिसीज आई उसमें और इसमें है कि इस पॉलिसी के साथ गवर्नमेंट ने या जो भी कमेटी ने काम किया है उन्होंने टाइमलाइन फिक्स कर रखी है। अच्छा, नेक्स्ट ईयर जो नाइन्थ क्लास में बच्चे आ रहे हैं उनमें पूरी तरह से जो पॉलिसी में बातें लिखी हुई है वो लागू होगी। ये नेक्स्ट ईयर से ही? जी हाँ, जो नेक्स्ट अकेडमिक सेशन होगा 2021-22 का जो सेशन है, ओके, वो नाइन्थ क्लास के बच्चे उसी से आएंगे, और टेंथ क्लास में जब आपका बच्चा 2023 का एग्जाम देगा तो टेंथ क्लास का बच्चा वो नई एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से जो चेंजेस है वो चेंजेस के साथ एग्जाम देगा। 2025 में हमारे ट्वेल्थ क्लास का पहला एग्जाम नई एजुकेशन पॉलिसी से होगा। तो आज भले ही सरकार के लेवल पे मंजूरी मिली हो, कोई भी होता है पहले एक पॉलिसी बनती है, पॉलिसी के बाद में जो है एक फ्रेमवर्क आता है, उसको हम कहते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, एनसीएफ। अभी जो देश में चल रहा है वो एनसीएफ 2005 चल रहा है, यानी देखिए 86 में प॔लिसी आई, 96 में करेक्शन, 92-96 में करेक्शन हुए, okay, और 2005 में फ्रेमवर्क आया, यानी एक्चुअल पॉलिसी उसके बाद लागू हुई, okay। ये तो अभी तैयारियां ऐसी हैं कि एक साल में इनका फ्रेमवर्क आ ही जाएगा और इम्प्लीमेंटेशन की बातें भी होगी। और सबसे अच्छी बात, इस पॉलिसी ने टीचर को अपने हार्ट पे रखा हुआ है। टीचर की बात हो रही है कि भाई टीचर की ट्रेनिंग कैसे होगी, उन्होंने सबसे अच्छी बात ये की है, 12वीं के बाद बच्चा सोच रहा है कि मुझे इंजीनियरिंग में जाना है, 12वीं के बाद बच्चा सोच रहा है कि मुझे मेडिकल में जाना है, मुझे लॉ में जाना है, वो कह रहे हैं कि अगर 12वीं में ही बच्चे के दिमाग में आया है कि मुझे टीचर बनना है तो उसके लिए वो कोर्सेज चलाए जाए कि वो बीएड 4 साल का होगा 12वीं के बाद, okay। 12वीं के बाद वाला बच्चा जिसको टीचर बनना है, अभी भी था रीजनल कॉलेजेस में 4 साल का कोर्स होता था जिसको बीए बीएड बीएससी बीएड कहा करते थे, अब वो हो जाएगा। दूसरा, उन्होंने हायर एजुकेशन में कहा है कि अब आप केवल इंजीनियरिंग कॉलेज चलाते थे, आप केवल बीएससी चला रहे थे, आप केवल कॉमर्स कॉलेज चला रहे थे, ऐसा नहीं होगा। अब हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो है वो मल्टी कोर्सेज वाले इंस्टीट्यूट होंगे, मतलब उनको इंजीनियरिंग कॉलेज को परमिशन होगी कि आप बीबीए चलाइए, आप बीए चलाइए, आप बीकॉम चलाइए। इससे जो है एक तो इंस्टीट्यूट को स्टूडेंट्स मिलेंगे और स्टूडेंट को एक अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ने का मौका मिलेगा, ओके। और मुझे लगता है कि सभी ये बड़े बड़े कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस भी बीएड भी चला पाएंगे और 4 साल का बीएड उन लोगों के लिए होगा। एक चीज और है जो मैं ऐड कर रहा हूं, बिल्कुल बिल्कुल, कि अब जो लोग वर्तमान में काम कर रहे हैं, जो टीचर ऑलरेडी बन चुके हैं, उन्होंने तो ग्रेजुएशन कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, अगर वो पीजी वगैरह हो चुके हैं, तो उन लोगों के लिए जो 2 साल का बीएड अभी चल रहा है वो कंटिन्यू रहेगा, ओके, उसमें कोई परेशानी नहीं। तो मतलब कुल मिला के अगर बच्चा जो चीज अभी 12th के बाद सोचता था अपना कैरियर ओरिएंटेशन को लेके, वो कहीं ना कहीं अब अपने 9th स्टैंडर्ड से ही वो दिमाग में रख सकता है कि अब अगर मैं 9th में जा रहा हूं तो मैं मेरे आगे फ्यूचर में मुझे क्या बनना है, उसकी प्लानिंग में 9th क्लास ऑनवर्ड ही स्टार्ट कर दूं। तो एक सबसे बड़ा जो मेजर चेंज है वो देखने को मिलेगा। और जैसा सर ने बताया कि नेक्स्ट सेशन जो है 9th स्टैंडर्ड वालों के लिए, जो 8th से 9th स्टैंडर्ड में जाएंगे, उनके लिए अभी से न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत जो चेंजेस किए गए हैं वो इंप्लीमेंट होना चालू कर देंगे, जिसका इफेक्टिव रिजल्ट 2025 का जो 12th स्टैंडर्ड का जो पूरा बैच आएगा उसमें हमको देखने को मिलेगा। बिल्कुल सही है। एक बड़ा चेंज और दिख रहा है सर मुझे इसमें, अभी तक हम जो सिस्टम चला रहे हैं वो 10+2 सिस्टम है जी, मतलब 10th क्लास तक बच्चा पढ़ता है कंपलसरी एजुकेशन, और अभी तक सभी बोर्ड बात करते हैं क्लास 1 से 10th तक की, फिर 11, 12 2 साल हायर सेकेंडरी के माने जाते थे। अब इन्होंने प्री प्राइमरी एजुकेशन, जो बड़ा इनफॉर्मल एजुकेशन होता था नर्सरी के जीवन के जी टू और कंपलसरी नहीं था, उसको भी गिन लिया है। और इन्होंने जो नई पॉलिसी की बात की है उसके अंदर इन्होंने किया है 5+3+3+4। अब जो 5 है वो नर्सरी के जीवन के जी टू 3 साल प्री प्राइमरी के हैं, और 1 और 2 को भी वहीं रखा है इन्होंने। अच्छा, और 1 में
जो बच्चे आ रहे हैं, क्योंकि अभी कई बच्चे ऐसे आ रहे थे कि जो कहीं प्री प्राइमरी पढ़ के नहीं आ रहे, सीधे क्लास वन में एडमिशन ले रहे थे। अच्छा, तो अब बच्चों को कंपल्सरीली नर्सरी केजी वन केजी टू भी करना पड़ेगा। कुछ स्कूलों में तो था, लेकिन अच्छा कई स्कूल आज भी ऐसे हैं कि जहां पर क्लास वन से शुरू होते हैं, कुछ स्कूल केजी वन से शुरू होते हैं, उनको नर्सरी खोलना पड़ेगी कि उनके यहाँ जो बच्चा आ रहा है या वो नर्सरी किया हुआ बच्चा आना चाहिए, तो वो 5 साल का कोर्स है। फिर उन्होंने 3-4-5 की बात की। 3-4-5 में इस बात पे ध्यान दिया जाएगा कि बच्चों के अंदर जो है लैंग्वेज का, कम्युनिकेशन का सेंस डेवलप हो। फिर दूसरा यह है कि ऐसा माना गया इस एजुकेशन पॉलिसी में कि हम तो चाहेंगे कि अगर स्कूल 5th क्लास तक बच्चों को मदर टंग में पढ़ाए, क्योंकि शायद बच्चों को अपनी मातृभाषा में चीजें जल्दी समझ में आती है। कहीं मिसअंडरस्टैंड हो रहा है, अभी इंग्लिश मीडियम स्कूल इतने सारे चल रहे हैं, क्या इनको कंपल्सरीली हिंदी में पढ़ाना पड़ेगा? पॉलिसी में तो ये कहा गया है कि अगर बच्चे को आप रीजनल लैंग्वेज में भी पढ़ाए तो बुराई क्या है, अगर बच्चे को मालवी समझ में आ रही है, निमाड़ी समझ में आ रही है, तो क्या समस्या है, है ना? कंपलसरी नहीं है, पर ये एक चॉइस उनके द्वारा दी गई है। 3 साल 3rd, 4th, 5th, जिसमें बच्चे के कैलकुलेशन स्किल्स, मैथमेटिक्स और लैंग्वेज इंप्रूव की जाए। 6th to 8th में बच्चों को जो है ये कह रहे हैं कि भाई अलग अलग कोर्सेज कराए जाए, एडिशनल वोकेशनल सब्जेक्ट भी बच्चों को दिए जाए इस क्लासेस में। और 9th में बच्चा आए तो उस समय वो सोचने लग जाए कि अब मुझे फ्यूचर में क्या करना है। तो 9th, 10th, 11th, 12th, तो वो 4 साल जो है हायर सेकेंडरी के हो गए।